वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो विथ मनी। विद हैंडल एक लोकप्रिय ट्रेडिंग इंडिकेटर है जिसका जिक्र ट्रेडर अक्सर करते रहते हैं। यह पैटर्न बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर रिवर्सल पर बनता है और यह प्रीवियस अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। इस वीडियो में हम कप विद हैंडल पैटर्न का आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इस पर डिस्कस करेंगे। हम यह भी शो करेंगे कि कैसे इसे आइडेंटिफाई करेंगे और स्टॉप लॉस एंड टारगेट कहां रखा जा सकता है। कप एंड हैंडल पैटर्न का आइडेंटिफाई करना काफ़ी सिंपल है क्योंकि यह चाय के कप के आकार का दिखाई देता है। कप फाइंडर सिस्टम एंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बहुत ही प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है। आज हम इस वीडियो में इसे आइडेंटिफाई करेंगे तथा उदाहरण से देखेंगे और इसका एक बैक टेस्ट भी करके देखेंगे कि पास्ट में इस सिस्टम से कैसे रिजल्ट दिए हैं, जिससे यह वंडरफुल स्ट्रेटजी आपको अच्छे से समझ में आ सके। इस स्ट्रेटजी को आप किसी भी मार्केट में उपयोग कर सकते हैं, चाहे वह स्टॉक मार्केट हो, कमोडिटी मार्केट हो, फ्यूचर मार्केट हो या क्रिप्टो। यह सभी में समान रूप से प्रभावी है तथा इसे आप किसी भी टाइम फ्रेम पर यूज कर सकते हैं। अगर इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो 3 मिनट या 5 मिनट, यदि बहरी शॉर्ट टर्म यानी वीकली एक आध दो वीक के लिए ट्रेड करते हैं तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं तथा अगर शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करना है तो डेली टाइम फ्रेम सेट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इसमें वीकली चार्ट देखना होगा। इस इंडिकेटर की अच्छी बात यह है कि इसमें बहुत ही कम पैटर्न बनता है, जिससे फॉल्स पैटर्न बनने के चांस बहुत ही कम होते हैं। जितने ज़्यादा विनिंग ट्रेड होंगे प्रॉफिट उतना ही ज़्यादा होगा। एक बात हमें समझनी होगी कि कोई भी इंडिकेटर 100% एक्यूरेसी नहीं दे सकता, यह स्ट्रेटजी भी शायद नहीं, लेकिन किसी भी स्ट्रेटजी को काफ़ी अच्छे से समझकर ट्रेड करते हैं तो वो प्रॉफिटेबल ही होती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले हम अपने ट्रेडिंग इंडिकेटर को समझते हैं। ये जो इंडिकेटर आपको दिखाई दे रहा है कप फाइंडर इंडिकेटर है। इसको ऐड करने के लिए इंडिकेटर पर जाएंगे, कप फाइंडर लिखेंगे। देखिए पहले नंबर पे आ रहा है कप फाइंडर इंडिकेटर, इस पर क्लिक कर देंगे, इसको क्रॉस कर देंगे तो हमारे ये कप फाइंडर इंडिकेटर ऐड हो चुका है, ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और नीचे है बुल ट्रेडिंग एलियट वेब के, इसको ऐड करने के लिए लिखेंगे बुल ट्रेडिंग एलियट। ये देखिए बुल ट्रेडिंग एलियट वेब ऑसिलेटर इंडिकेटर। तो ये हमारे आज के ट्रेडिंग टूल हैं कि पहला है कप फाइंडर और दूसरा है बुल ट्रेडिंग एलियट वेब इंडिकेटर। ये दोनों हमारे ट्रेडिंग टूल्स ऐड हो चुके हैं। ये हमने डेली चार्ट लिया है TCS का, तो TCS के डेली चार्ट पे हम इसका बैक टेस्ट करके देखेंगे। ये देखिए आपको सामने ये दिखाई दे रहा है कप जैसा शेप का बना हुआ है। तो जैसे ये शेप बनेगा तो ये जो कैंडल दिखाई दे रही है लास्ट में कप फॉर्मेशन के बाद ग्रीन कैंडल, तो हमारी पहली कंडीशन होगी कप बनने के बाद एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, तो हमारी कप ट्रेडिंग इंडिकेटर ने हमें बाय का सिग्नल जनरेट कर दिया है। और तथा दूसरी कंडीशन हमारी होगी ये जो बुल ट्रेडिंग इंडिकेटर नीचे दिखाई दे रहा है, ये जैसे ही ग्रीन कैंडल बनेगी तो नीचे ये जीरो के ऊपर होना चाहिए, यानी कि ग्रीन लाइन होनी चाहिए ऊपर की तरफ। तो दोनों कंडीशन हमारी फुलफिल हो चुकी हैं। और तीसरी और लास्ट कंडीशन है ये जो 91.4% है ये 80% के ऊपर होना चाहिए। तो तीनों कंडीशन हमारी बाइंग की फुलफिल हो गई हैं। इस केस में हम यहाँ पे अपना स्टॉक बाय करेंगे 3400 के आसपास और स्टॉप लॉस इस कप के नीचे की तरफ रखेंगे। तो देखते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:2 रखेंगे। तो ये देखेंगे स्टॉप लॉस का लेवल हमारा कहाँ आएगा, तो स्टॉप लॉस का लेवल ये है और हमारा जो टारगेट का लेवल होगा इससे डबल रखेंगे, तो इसके ऊपर ले जाते हैं हम ये स्टॉप लॉस का लेवल। नीचे फाइंड करते हैं पहले,
स्टॉप लॉस यहाँ होगा तो इसका डबल यानी कि ए हमारा टारगेट का जोन आ गया है। अब हम देखते हैं तो केवल कुछ ही दिनों के अंदर में केवल 8 से 10 ट्रेडिंग सेशन में ही इसने हमारा टारगेट हिट कर दिया है। तो इस तरह से बाय ट्रेड हम इसमें एग्जीक्यूट कर सकते हैं विथ स्टॉप लॉस और 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से हमारा टारगेट इसने अचीव कर दिया है। उसके बाद देखेंगे अगर कोई सेल सिग्नल आता है, कोई कप फाइंडर बनता है जिस पे सेल का ट्रेड लिया जा सके। देखिए इसमें इंडिकेटर में खास बात ये है कि इसमें सिग्नल्स बहुत ही कम जनरेट होते हैं, जिससे कि फॉल्स सिग्नल जनरेट होने की संभावना जो है बहुत ही कम हो जाती है। तो अगर हम दूसरे किसी इंडिकेटर पे यूज करें, जैसे सपोज दैट निफ्टी पर देखें, ये हमने बाय का इंडिकेटर देखा, अभी सेल का कोई सिग्नल अगर निफ्टी पर आएगा तो डेली चार्ट पे हम उसको भी कंसीडर करेंगे। देखिएगा ये निफ्टी है, निफ्टी का डेली चार्ट है, इसमें ये देखो एक कप जैसा बना, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी पहली कंडीशन हमारी, और दूसरी कंडीशन बुल ट्रेडिंग में नीचे की तरफ रेड की, ये हमारी कंडीशन सेल के लिए फुलफिल हो चुकी है। तो यहाँ पे हम अपना सेल पोजीशन बनाएंगे और स्टॉप लॉस हमेशा कप के ऊपर, ये वाली जो कैंडल दिखाई दे रही है इसके ऊपर रखना पड़ेगा, ये जो दिखाई दे रही है तो ये कप जहाँ पे बना वो उसकी सबसे ऊपर वाली कैंडल हमारी स्टॉप लॉस का लेवल हो जाएगी। ये हमारा स्टॉप लॉस का लेवल होगा। अब देखो सेल के बाद हम इसको चलने देंगे अपना ट्रेड और देखें कितने दिनों में ये हमारा टारगेट का लेवल था, ये अचीव हो चुका है फर्स्ट टारगेट, और दूसरे टारगेट के लिए भी हम वेट करेंगे, हो सकता है इसमें आगे चल के हमारा दूसरा टारगेट भी अचीव हो जाए। तो इसी तरह के जब कप फाइंडर इंडिकेटर में जब भी कोई इंडिकेट करे तो हम अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप सेफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग। नेवर लूज योर मनी। रूल नंबर 2 इज नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1।